दोस्तों आज हम आपको बॉलीवुड एक्टर्स की कुछ बुरी आदतों के बारे में बताने वाले हैं, जिसे जानकर शायद आप भी हैरान हो जाओगे। तो आखिर दोस्तों कौन सी है वो बुरी आदत, जानने के लिए इस वीडियो में हमारे साथ बने रहे अंत तक और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड किंग खान यानी शाहरुख खान की। दोस्तों एक समय था जब फिल्मों से ज्यादा शाहरुख कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से खबरों में रहते थे। शाहरुख खान को कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी वो एक बार जूता पहनने के बाद उसे नहीं उतारते। जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे की वजह है उनके पैर से आने वाली भयंकर बदबू। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा शाहरुख खान को वीडियो गेम्स का भी बहुत शौक है। आपको बता दें उनके पास 30 से भी ज़्यादा हाईटेक वीडियो गेम्स हैं। वो अक्सर सेलिब्रिटी के साथ शर्त लगाकर गेम खेलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं बॉलीवुड की देसी गर्ल यानी प्रियंका चोपड़ा के बारे में। दोस्तों आपने प्रियंका चोपड़ा को हमेशा ही स्टाइलिश ड्रेस में देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी उनके शूज की ओर गौर किया है? प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक में सबसे ज्यादा महंगे शूज पहनती है। उनके पास 2000 से भी ज्यादा शूज की रेंज है जिनकी कीमत अरबों में है। दोस्तों अब बात करी जाए करीना कपूर खान की, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि करीना कपूर को नेल बाइटिंग की बहुत बुरी आदत है। जी हाँ दोस्तों, अगर वो अक्सर पार्टी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, यहाँ तक कि फिल्मों की शूटिंग के दौरान भी हो, वो अपने नखून चबाने लगती है। 36 वर्ष की आयु में भी करीना कपूर की ये आदत आज तक नहीं छूट पाई। दोस्तों आगे हम बात करते हैं बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान की, तो उनकी आदत भी उनकी तरह बिल्कुल अनोखी है। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान को खुशबू वाले साबुन को इकट्ठा करने का शौक है। उनके पास दुनिया के सबसे महंगे साबुन है। वो जब भी विदेश घूमने जाते हैं तो वो साबुन की खरीदारी जरूर करते हैं। उनके पास हजारों साबुन का कलेक्शन है। दोस्तों वैसे तो बॉलीवुड में आपने अक्सर चेन स्मोकर एक्ट्रेस देखे होंगे, लेकिन क्या आपको सबसे ज्यादा सिगरेट पीने वाली एक्ट्रेस का नाम पता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉलीवुड की सबसे संस्कारी एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को सिगरेट पीने की आदत है। वो लाखों कोशिश करने के बाद भी इससे छुटकारा नहीं पा पाई है। आपको बता दें वो दिन में 10 से 12 सिगरेट रोज पीती है। दोस्तों जब भी आप आमिर खान का नाम सुनते होंगे तो आपके दिमाग में एक संस्कारी एक्टर की छवि बन जाती होगी, एक ऐसे एक्ट्रेस जिसने सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब रखा। लेकिन क्या दोस्तों आपको पता है आमिर खान सेट पर बहुत प्रैंक करते हैं। एक बार तो उन्होंने माधुरी के हाथ पर थूक भी दिया था। जो एक्टर उनके साथ काम करता है उनकी इस आदत से बहुत परेशान रहता है। दोस्तों बिग बी यानी अमिताभ बच्चन तो अपने नाम की तरह ही अनोखे हैं। क्या आपको पता है अमिताभ दोनों हाथों से लिख लेते हैं, वो भी एकदम स्पीड के साथ। लेकिन अमिताभ की ये सिर्फ अकेली अनोखी आदत नहीं है, इसके अलावा अमिताभ अपने हाथ में दो घड़ी पहनते हैं। उन्हें अक्सर दो घड़ियों के साथ देखा जाता है। दोस्तों बॉलीवुड की क्यूट गर्ल आलिया भट्ट यंगस्टर की पसंदीदा स्टार है, लेकिन क्या आपको अपने इस पसंदीदा स्टार की अजीब आदतों के बारे में पता है? अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम आपको बता दें कि आलिया भट्ट को मेंस परफ्यूम का बहुत शौक है। दोस्तों आपको बता दें उनके घर पर वुमेन परफ्यूम से ज्यादा मेन परफ्यूम्स का कलेक्शन है। जब भी आलिया घर पर होती है वो अपने ऊपर मेन परफ्यूम का यूज करती है। तो अब बात करें सन्नी लियोनी की आदत की, तो सन्नी लियोनी की आदत भी बहुत अजीब है। आपको बता दें सन्नी को हर 15 मिनट में अपने पैर धोने की आदत है। शूटिंग के समय सन्नी ऐसा ही करती है, इस वजह से उनकी फिल्मों की शूटिंग अक्सर लेट हो जाती है। फिल्म इंडस्ट्री में इतने सालों से रहने के बाद भी सन्नी अपनी ये आदत नहीं छोड़ पाई। दोस्तों अब आखिर में बात करते हैं रणवीर सिंह की, तो रणवीर खुद ही खुलासा कर चुके हैं कि 14 साल की उम्र में ही वो अपनी वर्जिनिटी को खो चुके हैं। आपको बता दें उन्हें विदेशी लड़कियों के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब से वो दीपिका के प्यार में पड़े उनकी ये आदत छूट गई। अब रणवीर को सबसे ज्यादा खाने पीने का शौक है। वो जब भी घर पर होते हैं हर घंटे कुछ ना कुछ नया खाते हैं। तो दोस्तों आपको किस एक्ट्रेस की आदत सबसे बुरी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।